इसी के लिए कह रहे हैं कि पैसा नहीं है इसीलिए ताला बंद। कई सभी लोग अरे ये क्या, मास्टर जी कमरे की खिड़की से अपना दर्द बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भैया हमें और हमारे पूरे स्टाफ को स्कूल के बच्चों ने कमरे के अंदर बंद कर दिया है। गजब है जो मास्टर जी बच्चों को शिक्षा का मंत्र देते हैं, जो मास्टर जी बच्चों को संस्कार देते हैं, उन्हीं मास्टर साहब और पूरे स्टाफ को बच्चों ने स्कूल के ही अंदर कमरे में बंद कर बंधक बना डाला है। ऐसे बच्चों पर तो गुस्सा आएगा ही ना जिन्होंने अपने शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव किया है। लेकिन साहब रुकिए, बच्चों को ऐसा क्यों करना पड़ा ये बच्चों की जुबान से थोड़ा सुन भी लीजिए। देखा भैया, मास्टर साहब और उनके साथियों को आखिर प्रिंसिपल साहब के ही कमरे में इसलिए बंद किया गया है क्योंकि ये लोग बच्चों के हक का पैसा खा गए हैं। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर कहां के बच्चों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तस्वीरें बलिया के बैरिया के दुर्जनपुर कंपोजिट स्कूल की हैं, जहां के बच्चों को कोविड काल में मिलने वाले MDM के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, जबकि बच्चों ने कई बार स्कूल के प्रिंसिपल साहब के साथ साथ शिक्षकों को पैसा देने के लिए कई बार कहा भी था, लेकिन हर बार स्कूल प्रशासन बच्चों को टरकाता रहा। स्कूल प्रशासन छोटे छोटे बच्चों को हल्के में ले रहा था, लेकिन इन छोटे बच्चों ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे स्टाफ को प्रिंसिपल साहब के ही कमरे में बंद कर बाहर से ताला लटका डाला। कमरे में बंद मास्टर साहब का दर्द भी सुन लीजिए। इसके लिए कह रहे हैं कि पैसा नहीं है इसीलिए ताला बंद किया। कई सभी लोग अरे अध्यापक लोग शिकायत कर रहे हैं। अब उन बच्चों की भी पूरी बात सुनिए जिन्होंने पूरे स्टाफ को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लटका दिया। कितने बार सर से हम लोग बोले तो वो लोग कह रहे हैं कि 2-3 महीने बाद ले लेंगे। 2020 का लॉकडाउन का पैसा, वो पैसा देंगे कोई अधिकारी आएगा तब तो लेंगे। सोशल मीडिया पर शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों के भी पसीने छूट गए, बल्कि प्रधान से लेकर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों को समझाया, तब जाकर बच्चों ने ताला खोलने दिया और स्टाफ को बाहर आने दिया। लेकिन जनाब, इन छोटे बच्चों के बड़े काम को देखने के बाद हर किसी को सबक ले लेना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे जैसा यहाँ हो भी गया। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।